तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे बाइक में अभी इनस्केप रिम्स का विंडशील्ड इंस्टॉल किया हुआ है, और इसे इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। और पहले जो रॉयल एनफील्ड का विंडशील्ड था वो जो काम नहीं कर पाता था, वो काम अभी ये इंस्केप रिम्स का विंडशील्ड कर रहा है, जो कि विंड को विंड से मुझे प्रोटेक्ट करना। और पहले क्या होता था, पहले पूरा विंड अगर मेरा हेलमेट का वाइजर खुला होता था तो पूरा विंड अंदर जाता था, बहुत विंड नॉइज़ होता था, और आँख 80 के ऊपर आँख खोलने में भी बहुत दिक्कत होता था। और अभी 80-90 कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही ईजी है क्रूज़ करना, बहुत ही ईजी है, विंड का कोई टेंशन नहीं है। फिर भी मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा कि इस विंडशील्ड को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आप टेंशन कर रहे हैं कि ये नकल गार्ड्स में लगेगा, तो इसका टेंशन आप मत लीजिए, ये नकल गार्ड्स में नहीं लगेगा। और इसके साथ आप जीपीएस माउंट भी इजीली यूज़ कर सकते हैं, जो कि जाना का है। और इसके साथ आप जो यूज़ नहीं कर पाएंगे वो है जेबी रेसिंग का हेडलाइट ग्रिल। आपको जाना के साथ जाना पड़ेगा, जाना का हेडलाइट ग्रिल यूज़ करना पड़ेगा। जो जो हेडलाइट ग्रिल हेडलाइट के स्क्रू के साथ फिट होता है, वैसा वाला हेडलाइट ग्रिल आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये विंडशील्ड का डिज़ाइन टॉप में थोड़ा सा आगे की तरफ बैंड होता है, तो उस बैंड जहाँ पे होता है उस जगह के थ्रू आप रात में भी आपको रिफ्लेक्शन होगा और दिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, और दिन में भी उस पर्टिकुलर जगह से देखने में थोड़ा दिक्कत होता है। और बाकी जहाँ भी पूरा जो विंडशील्ड है ये बहुत एकदम क्लियर है, इसके थ्रू देखने में भी कोई दिक्कत नहीं है और नाइट में भी कोई दिक्कत नहीं है। खाली उस पर्टिकुलर जगह में देखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, अगर उस चीज़ के थ्रू आप कुछ भी देख रहे हैं। ये है मेरा एक्सपीरियंस इनस्केप ड्रीम्स के विंडशील्ड के साथ, जो कि हिमालयन के लिए है, और ये बहुत ही बेहतरीन है, उनका काम बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही परफेक्टली काम करता है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा वो मैं मेंशन कर चुका हूँ मेरे वीडियोस में। अगर आपको ये लेना है तो इसका लिंक मैं बाय लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसे इजीली परचेस कर सकते हैं। तो आपको ये इनस्केप ड्रीम्स का विंडशील्ड कैसा लगा है आप ज़रूर से मुझे कमेंट में बताइए, और आपको अगर कुछ भी पूछना है, कुछ भी हेल्प चाहिए तो ज़रूर से कमेंट कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अभी के लिए गुड बाय।